हाय गाइस, तो स्वागत है आपका सीओसी के और एक अमेजिंग एपिसोड में। और आज हम TH12 से करने वाले, TH12 के ऊपर, ये टी ब्लिम हाइब्रिड से अटैक। और मैंने सब आर्मी को किए तो चलो इधर बूस्ट कर लेते हीरोज को और ट्रूप्स को। और हम चलेंगे नंबर, कितना नंबर है, नंबर 11 है। चलो 11 के ऊपर अटैक की तरफ जाएंगे। पर इसके सीसी में क्या हो सकता है, और सीसी तो फुल है तो लावा हाउंड भी निकल सकता है, सुपर मिनियंस निकल सकते हैं। तो चलो अटैक की तरफ पढ़ते हैं पहले। और इधर हम एक लून, एक बेबी ड्रैगन और ब्लिम ड्रॉप कर देंगे। और ब्लिम को रेज नहीं करेंगे, विदाउट रेज ही फूट जाएगा शायद से सिंगल इन्फिर्नो। और अरे इलेक्ट्रो ड्रैगन निकला है, अच्छा हुआ, मतलब हेड हंटर्स नहीं निकले तो इलेक्ट्रो ड्रैगन ठीक है। सॉरी, येटीस ने मार दिया। इधर एक बारबेरियन और इधर एक विजार्ड ड्रॉप कर देते हैं बिल्डर हट के ऊपर। बिल्डर हट टूट चुका है। और क्वीन को ड्रॉप करेंगे, रुको अभी कर देते हैं क्वीन को ड्रॉप। और इधर एक हम लून, टेस्ट लून मतलब, और हीलर्स ड्रॉप कर देंगे। इधर पॉइजन कर देते इलेक्ट्रो ड्रैगन को। और अच्छा जा रहा है अटैक हमारा, मतलब 59 की क्वीन है अभी, मतलब बूस्ट लगाने के बाद, नहीं तो 54 है। और अभी रेस्पेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रेस्पेल हम देंगे थोड़ी देर में, रुको अभी देना चाहिए क्या, नहीं अभी भी नहीं, हाँ अभी देना पड़ेगा, जिससे मतलब एक्सबो लॉक हो चुका है इसलिए, और डबल एक्सबो लॉक हो चुके हैं। अच्छा हुआ रेस्पेल दे दिया हमने। और टाउन हॉल निकाल पाएगी क्या क्वीन पहले, वो देखते हैं। और एक रेस्पेल ड्रॉप कर देंगे अभी। और इधर हेड हंटर ड्रॉप करना है हमको क्वीन के लिए, तो इधर से ड्रॉप करना पड़ेगा। और जैसे ही ये दूसरा वाला एक्सबो टूटेगा, मतलब एक्सबो लॉक हो गई, डाल देते हेड हंटर। और बराबर पहुंचा है हेड हंटर, और एनिमी की 60 लेवल के क्वीन को मार दिया। और अभी और टाइम बहुत कम है, इधर एक ये स्निकी गॉबलिन और किंग को ड्रॉप कर देते। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, शायद से ये टाइम फेल हो सकता है क्योंकि 1 मिनट से ऊपर है। और हीलर जिंदा रहे तो ठीक है। और इधर माइनर्स और इधर वार्डन और सारे के सारे हॉग राइडर्स सर ड्रॉप कर दिया हमने। और किंग की एबिलिटी हम पॉप कर देते। और इधर एयर डिफेंस मार रहा है हीलर्स को, और हीलर्स एक ही बची है, वो भी शिफ्ट हो गई क्वीन से। इधर फ्रीज कर देते हैं सिंगल इन्फिर्नो को। और अभी तक हील स्पेल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं इतना। इधर एक हीलिंग स्पेल, पहले इधर क्वीन की एबिलिटी पॉप कर देते हैं, और इधर एक हीलिंग स्पेल ड्रॉप करना पड़ेगा। और वार्डन एबिलिटी देने के लिए कोई जगह ही नहीं बची हुई है, और टाइम 36 सेकंड्स बचे हुए हैं, और बेस 30 मतलब 30 बिल्डिंग्स तो बची हुई है मिनिमम, तो होएगा नहीं शायद से। इधर एक मिनियन आर्चर, और इधर एक हीलिंग स्प्रे ड्रॉप करना पड़ेगा। हॉक्स बहुत कम बचे हुए हैं, माइनर्स शायद से सारे के सारे जिंदा है, पर इधर एक हीलिंग स्प्रे और वार्डन एबिलिटी दे देते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी ये टाइम फेल ही हो गया। इधर एक स्नीकी गॉबलिन, इधर एक आर्चर, इधर गॉबलिन और इधर बारबेरियन ड्रॉप कर देते हैं, और हेड हंटर ड्रॉप कर देते हैं एनिमी के किंग के लिए। और ये अटैक हमारा हो चुका है 87%। ये था CTWL का फर्स्ट डे। तो कैसी लगी मेरे कमेंट से बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके बाय।